नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र प्रतीक, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी तीन चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए आपका अगर मोनेटाइज हो गया है तो। अगर आपका चैनल सिर्फ कुछ ही दिन पहले मोनेटाइज हुआ है तो आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर वन, जैसा कंटेंट से आपका मोनेटाइज हुआ है, मतलब कि आपके वीडियो में जिस कंटेंट से आपको ज़्यादा व्यू आया है और उसी से आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे वीडियोस ही रेगुलर अपलोड करते रहिए। तो इससे क्या होगा, यूट्यूब को लगेगा कि इस कंटेंट में दम है और इसमें ही ज़्यादा व्यू आया है, तो इसी कंटेंट का ये चैनल है। और दोस्तों, एक और बात ज़रूर याद रखना कि वो कंटेंट आपका ही होना चाहिए, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आप अगर किसी भी क्रिएटर्स का कॉपी करते हैं या फिर कोई भी लाइव परफॉर्मेंस की वीडियो करते हैं या फिर कोई म्यूजिक लगा दिया और उसमें पिक्चर्स का स्लाइड शो लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज यूट्यूब कर देगा। मतलब कि अगर मोनेटाइज हो गया और आप ये सोच रहे हैं कि आज से मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो गया और मैं जो चाहे वीडियोस डाल सकता हूँ और उससे व्यूज आएगा और उससे अर्निंग होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि यार, आपको हमेशा अपना कंटेंट ही कैरी करना होता है। अगर आप कुछ भी और ज्यादा कंटेंट डालते हैं तो इससे यूट्यूब को क्या लगता है कि यार ये फेक कंटेंट बना रहा है और इस कंटेंट को बनाने में कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपको मेरी सजेशन यही रहेगी कि आपके चैनल के ऊपर हमेशा वैल्यूएबल एंड ओरिजिनल कंटेंट बनाए रखें आपके चैनल पर, तभी आपका चैनल लॉन्ग टर्म में ग्रो हो पाएगा। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर टू की तरफ। दोस्तों, अगर मोनेटाइजेशन होने के बाद भी आपकी वीडियोस के ठीक बाजू में ऐसा कुछ डॉलर का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके चैनल के वीडियोस में अभी तक मोनेटाइजेशन इनेबल आपने नहीं किया है। इसको मैन्युअली करना पड़ता है, जो मुझे भी करना पड़ा था। दोस्तों, ऐसा साइन अगर आपके वीडियोस के बाजू में देखने को मिल जाए तो इसका मतलब आपको अर्निंग कुछ भी नहीं होगा, आपको इसको एड्स ऑन करना पड़ता है। सो दोस्तों, सभी वीडियो में मोनेटाइजेशन एक साथ इनेबल करने के लिए सबसे पहले अपने बीटा स्टूडियो पर चले जाओ और सारे वीडियोस को एक साथ सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देख सकते हो मोनेटाइजेशन ऑल करने का एक ऑप्शन दिया गया है आपको, तो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं एक साथ। सो दोस्तों, ये था हमारा टिप नंबर टू। दोस्तों, अब बढ़ते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ। टिप नंबर थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नए यूट्यूबर्स इस गलती को करते हैं। दोस्तों, मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपके एडसेंस अकाउंट में CTR को हमेशा हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो यूट्यूब सोचेगा कि फेक एड क्लिक हो रहे हैं और आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। दोस्तों, YouTube में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स के एग्जांपल मिल जाते हैं जिनके मोनेटाइजेशन मिलने के ठीक दो दिन बाद ही उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। मतलब कि CTR हाई होने की वजह से YouTube ने उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया। तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, उन्होंने अपना CTR, मतलब कि मोनेटाइजेशन होने के बाद अपना एडसेंस का CTR कंट्रोल में नहीं रखा था। तो आपको हमेशा मोनेटाइजेशन के बाद अपना CTR कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो दोस्तों, एडसेंस पेज पर अपने चैनल का CTR हमेशा 15% के नीचे रखिए। इससे ज़्यादा अगर चले जाए तो आपका चैनल डिमोनेटाइज होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है, तो इसको हमेशा कंट्रोल में रखिए। तो दोस्तों, इस CTR को कंट्रोल करना कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है, एकदम सिंपल टास्क है दोस्तों। इसको आप अपने फ़ोन से ही कर पाओगे। तो दोस्तों, CTR को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट में जाइए और वहाँ पर देखिए आज का CTR कितना परसेंट है। क्या वो 15% के नीचे है या ऊपर है? अगर दोस्तों 15% के बहुत ऊपर चला गया है तो दोस्तों, इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन से YT Studio एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप उस वीडियो पर जाइए जिस वीडियो पर आपके दिन का सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है। तो दोस्तों, उस वीडियो के एडिट ऑप्शन में जाकर मोनेटाइजेशन टैब से उसका स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड्स को ऑफ कर दीजिए। बस इतना ही करना है। और दोस्तों, आप जब एडसेंस पर अपना CTR देखेंगे कि 2% पर चला गया है, तो अब इस नॉन स्किपेबल एंड स्किपेबल एड्स को ऑन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका CTR कंट्रोल में रहेगा और दोस्तों, मोनेटाइजेशन के कारण आपको अर्निंग भी होता रहेगा। तो ऐसे ही आपके एडसेंस के CTR को कंट्रोल में रखने के लिए आपके जो नॉन स्किपेबल एंड स्किपेबल एड्स है उसको ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे में ही आपका जो मोनेटाइजेशन डिसेबल होने का चांस रहता है वो एकदम चला जाता है और आप YouTube पर एकदम टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका अभी अभी मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है। और दोस्तों, एक चीज क्या नोटिस किया कि मेरा आज का जो बैकग्राउंड है ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसको बनाने में मुझे सिर्फ लगा है 50 रुपीज। और दोस्तों, अगर आप चाहते कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा ID या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप वहां पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।